आगे का जो हमारा टॉपिक है आज का, गुरु बीजाणु जन्म, गुरु बीजाणु जन्म, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना। पहले आपने स्टार्ट में पहले पुराने वीडियो के अंदर आपने देखा था कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके बारे में आपने डिस्कस किया था। अभी जो नया टॉपिक आपके है गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से गुरु बीजाणु का जनन होता है। गुरु बीजाणु आगे चलकर के फीमेल गैमेटोफाइट्स मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट करता है, इसी के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आप देखिए गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंदर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, से गुरु बीजाणु का निर्माण, गुरु बीजाणु का निर्माण, ये क्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से फीमेल एंड मेगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण, मेगा स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनती है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस तो क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया सामान्यतः हम देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो आपने देखा है बीजांड के अंदर संपन्न होती है, बीजांड में संपन्न, बीजांड में कैसे संपन्न होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए बीजांड की जो बीजांड काय की कोशिका है, बीजांड काय न्यूसेलस, न्यूसेलस बीजांड काय की कोशिका की अधस्त चर्म, अधस्त चर्म की कुछ कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है, कोशिका की तरह व्यवहार करती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है, बीजांड में संपन्न होती है, और बीजांड में कहां, बीजांड काय की जो कोशिकाएं, न्यूसेलस की जो कोशिकाएं, उसकी हाइपोडर्मिस की सेल्स, अधस्त चर्म की जो कोशिकाएं हैं, ये अधस्त चर्म की कुछ कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है। इन्हें प्रप्सु कोशिकाएं भी कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, प्रप्सु कोशिकाएं, या आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रप्सु कोशिकाएं किसे कहते हैं, ये आपने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंदर भी आपने पढ़ा था प्रप्सु कोशिकाएं, और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंदर भी ये प्रप्सु कोशिकाएं आती है। तो देखिए आप बीजाणु काय की कोशिकाएं सबसे पहले बीजाणु के अंदर जो उपस्थित बीजाणु काय की जो अधस्त चर्म की कुछ कोशिकाएं हैं वो किस तरह व्यवहार करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है। अब देखिए आगे का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसी प्रक्रिया के अंदर आप देख रहे हैं ये जो आपके सामने गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या इन्हें प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं, इन प्रप्सु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, प्रप्सु कोशिकाओं में, प्रप्सु कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन होकर के दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो प्राथमिक भित्ति, भित्तीय कोशिका,
दूसरी बनेगी एक प्राथमिक भित्ति कोशिका बनेगी, दूसरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनेगी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनेगी। इसमें मित्रों देखो कई बार तो विभाजन होता है, कई बार विभाजन नहीं होता है। विभाजन होता है तो इससे बाहरी भित्ति का निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है। ये विभाजन करके क्या बनाती है, भित्ति का निर्माण करती है। कई बार कुछ एंजियोस्पर्म के पादपों के गुणों के अंदर इसमें भित्ति का निर्माण होता है, तब विभाजन इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में विभाजन नहीं होता है, परिणति का विभाजन की सहायता से बाहरी भित्ति का निर्माण करती है। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, चार गुरु बीजाणु का मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन होता है, आता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, चार। अब देखो चार ये जो गुरु बीजाणु होते हैं ना इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, रेखिक क्रम कहते हैं इसको, इसको कहते हैं स्पोर टेट्राड या गुरु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं इसको। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेगा स्पोर टेट्राड रेखिक क्रम में चार गुरु बीजाणु है, निभागीय सिरे वाला जो गुरु बीजाणु है ये निभागीय सिरे वाला गुरु बीजाणु होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में। कैसे करता है कुछ समय बाद हम देखते हैं, ये जो तीन जो ऊपर वाले गुरु बीजाणु है ये क्या हो जाते हैं डीजनरेट अपभाषित हो जाते हैं और ये एक शेष बचता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों जो बचे हुए तीन जो गुरु बीजाणु है ये क्या करते हैं इस एक गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। सब जनरेट रहते हैं डीजनरेट हो जाते हैं अपभाषित हो जाते हैं और अपभाषित होने के कारण सिर्फ एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है जो आगे चल करके क्या बनाता है ब्रोंकोस का परिवर्धन करता है, मादा युग्मकोशविद का परिवर्धन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है ये चार जो गुरु बीजाणु है ये कैसे होते हैं सभी अगुणित होते हैं, हमेशा आप याद रखना अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली जो संतति हमेशा कैसी होती है अगुणित होती है। लेकिन ये यहां भी 2n स्ट्रक्चर थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कैसी थी 2n स्ट्रक्चर थी और इसी से मियोसिस हुआ और मियोसिस की थ्री क्या बने फोर मेगा स्पोर्स बने और ये कैसे थे हैप्लॉइड अगुणित थे। अब इससे क्या होगा इस प्रकार का रेखिक चतुष्क बनेगा गुरु बीजाणु रेखिक चतुष्क में तीन तो गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे नष्ट और एक रहेगा निभागीय सिरे वाला वो सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाएगा। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसे प्रोसेस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गुरु बीजाणु जनन या इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आप याद रखना इसको। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कहेंगे मादा युग्मकोशविद या ब्रोंकोस। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एनसीईआरटी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अन्य कई प्रकार के बोर्डों के अंदर ये पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से देखें, इससे नीट के एग्जाम में हम देखेंगे तो इसमें लगभग तीन क्वेश्चन पक्के आते हैं इसमें और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पूरा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगला देखो मादा युग्मकोशविद या ब्रोंकोस, मादा युग्मकोशविद या इसको कहते हैं ब्रोंकोस, मादा युग्मकोशविद या फिर ब्रोंकोस। देखिए मादा युग्मकोशविद या ब्रोंकोस आप देखें सक्रिय जो अगुणित गुरु बीजाणु है याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सक्रिय
अगुणित गुरु बीजाणु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्म को विद की प्रथम कोशिका है, प्रथम कोशिका है। ये लाइन सेम टू सेम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है मित्रों, सेम टू सेम बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी आरबीएससी से एमसीक्यू इसमें से बनता है। तो सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु चार में से अभी मैंने स्पोर टेट्राहेड बनाया था, मेगा स्पोर टेट्राहेड, चार जो रेखिक क्रम में उपस्थित गुरु बीजाणु थे उनमें से तीन तो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है, और एक सक्रिय रहता है उसी को, उसी से क्या डेवलपमेंट होता है, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके बाद में आप देखिए ये जो मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है गुरु बीजाणु, ये आकार में वृद्धि करता है, क्या करता है, आकार में वृद्धि, और इसके अंदर कई रिक्तिकाएं, कई रिक्तिकाएं निर्मित हो जाती है, रिक्तिकाएं बहुत सारी इसमें रिक्तिकाएं निर्मित हो जाती है, आकार में वृद्धि करता है, और इसमें फिर तीन समसूत्री विभाजन अगुणित गुरु बीजाणु के केंद्रक में तीन समसूत्री विभाजन होते हैं, तीन समसूत्री विभाजन होते हैं, तो इसमें आठ केंद्रक निर्मित होते हैं। देखिए आप, ये जैसे अगुणित गुरु बीजाणु का केंद्रक था, इसमें विभाजन हुआ, प्रथम समसूत्री विभाजन, इससे दो कोशिकाएं बन गई, दो केंद्रक वाली कोशिकाएं बन गई, और इससे फिर दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ तो कितने बन गए, चार। दूसरा समसूत्री, ये फर्स्ट माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन, दूसरा सेकेंड समसूत्री विभाजन, और तीसरा इसमें होगा फिर देखिए आठ कोशिकाएं, आठ केंद्रक, आठ केंद्रक बनेंगी। ये देखो आठ केंद्रक निर्मित हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप दोबारा एक बार सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से ही मादा युग्मकोद्भिद से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, ये लाइन है सेम सेम आपको याद रखनी है। फिर ये प्रथम जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये गुरु बीजाणु है, ये आकार में वृद्धि करता है, इसमें कई रिक्तिकाएं निर्मित होती है, और कुछ समय उपरांत इसमें तीन समसूत्री विभाजन होते हैं। तीन समसूत्री विभाजन जैसे प्रथम समसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, और फिर दूसरे समसूत्री विभाजन से दो से फिर चार बने, और तीसरे समसूत्री विभाजन से, ये थर्ड समसूत्री विभाजन है, तो इससे बन गए आठ। तो ये आठ केंद्रक इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो ये भ्रूणकोश है, इसमें देखो चार केंद्रक इधर चले जाते हैं और चार केंद्रक दोनों ध्रुवों के ऊपर, इसमें देखो भ्रूणकोश के अंदर दो ध्रुव बन जाते हैं, ऊपर वाला ध्रुव और नीचे वाला ध्रुव। देखो नीचे वाले ध्रुव पे चार केंद्र इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर वाले ध्रुव पे चार केंद्र की इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन आता है और एक एक केंद्रक ध्रुवों से, एक एक केंद्रक की ध्रुवों से आ जाता है बीच में, आकर के दो केंद्र वाली स्ट्रक्चर बनाता है जिसे द्वितीय केंद्र कहते हैं, द्वितीय केंद्र या ध्रुवीय केंद्र, ध्रुवों से आया हुआ है, ध्रुवों के केंद्रकों से मिलने से बना है, इसे द्वितीय केंद्र, ये होता है डिप्लॉयड टू एन, क्योंकि दो केंद्रकों के दो अगुणित केंद्रकों के आपस में मिलने से द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। अब आगे की स्थिति में आप देखिए, आगे की जो भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसमें आप देखिए ये देखिए इस टाइप की कोशिका बनेगी, उसमें तीन तो ऊपर की साइड में केंद्रक होंगे, तीन होंगे नीचे की साइड में, इसे अन्य समुच्चय केंद्रक कहते हैं। इन केंद्रकों को क्या कहते हैं, अन्य समुच्चय, शॉर्ट में क्या कहते हैं, अन्य समुच्चय, और ये प्रति
व्यासांत या प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल। अन्य समुच्चय, अन्य समुच्चय के अंदर देखो तीन कोशिकाएं हैं, दो तो है इसमें सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका सिनेरीज कहते हैं सेल। और ये बीच में जो द्विगुणित केंद्रक है ये है द्वितीय केंद्रक, डिप्लॉयड है ये द्वितीय की केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो तीनों कोशिकाएं हैं प्रतिव्यासांत, तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल है। और नीचे की साइड में एक एपरेटस अंड समुच्चय जिसमें दो तो सहायक कोशिका और बीच में एक होती है एक सेल अंड कोशिका, इसे इसे हम क्या कहते हैं अंड कोशिका कहते हैं मित्रों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार भ्रूणकोश ये बन जाता है भ्रूणकोश, इसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। इसमें सात तो कोशिकाएं देखिए गिन लीजिए आप, तीन ऊपर की साइड में, तीन नीचे की साइड में, छह और एक बीच में, सात तो कोशिकाएं लेकिन केंद्र इसमें कितने हैं आठ। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए सात कोशिकीय और आठ केंद्रक वाली संरचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कई बार एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर विशेष पूछी जाती है। देखो सात कोशिकीय व आठ केंद्रक वाली जो संरचना है इसको कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं मित्रों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक क्वेश्चन होता है, आता है बहुत ज्यादा है। नीचे की साइड में आप दोबारा एक बार देखें एम्ब्रियो सेक के अंदर या भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार का आप देखें, इसमें नीचे की साइड में तीन केंद्र उपस्थित हैं, ऊपर वाले तीन केंद्र है इनकी, जैसे इसमें सात केंद्र बन जाएंगे, दो ध्रुवीय केंद्र बीच में आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे, तो इसके चारों तरफ सभी केंद्रकों के मध्य क्या बन जाती है भित्तियां, केंद्रकों के चारों तरफ भी क्या बन जाती है भित्तियां, और ये कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, कोशिकीय हो जाती है, सेलुलर हो जाती है, और सेलुलर होने के बाद में ये सात कोशिकीय और आठ केंद्रक वाली संरचना बनती है, ये भ्रूणकोश कहलाती है। क्या कहलाती है भ्रूणकोश। इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है इसको एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। टाइप्स पूछा जाता है आपको, एक बीजाणु पॉलीगोनम गोनम प्रकार का भ्रूणकोश है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू तो इससे इतने बनते हैं। इसमें ये जो केंद्र द्वितीय केंद्र के डिप्लॉयड है ये 2N है, और ये बाकी तीनों छह जो बचे हैं वो सहायक से हैं, हैप्लॉयड है ये भी, हैप्लॉयड है ये भी, हैप्लॉयड है। तो आप याद रखें मित्रों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश किसमें पाया जाता है, और बीजी पातों के कुलों में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और बीजी पातों के कुलों में किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है, एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। तो मैं ये आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों से, सभी दर्शकों से ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखा है तो आपकी पूरी की बातें सारी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देख करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लिख करके अपने विचार साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।